रेप्टिलियन जीवों की प्राचीन मूर्तियाँ। ऐसे चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं जो आपकी सोच, आपके यकीन को बिल्कुल हिला कर रख देंगे। 400 साल पुरानी अजीबोगरीब लंबी स्कल्स। माना जाता है कि वो लंबे स्कल्स उन जीवों के हैं जो आधे एलियन हैं और आधे इंसान। और प्राचीन किस्से कहानियां जिनमें छोटे कद के बड़े सर और काली अंडाकार आंखों वाले ग्रे एलियंस का जिक्र है। कम से कम सैकड़ों सालों से हमारे इतिहास में ऐसे ग्रे एलियंस का वर्णन किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जगह जगह पर दूसरी दुनिया के जीवों के धरती पर आने के सबूत पाए गए हैं। हमारे पास वो सारे सबूत हैं जो ये साबित कर देंगे कि दूसरे ग्रह के जीव यानी एलियंस अतीत में पृथ्वी पर आते थे। भारत में और दूसरे कई देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे। क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना रहस्यमय है? क्या वैज्ञानिक ग्रे एलियंस के रहस्य के पीछे का सच सामने लाने में कामयाब हो पाएंगे? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज। रॉजवेल, न्यू मेक्सिको, 3 जुलाई 1947 की रात को एक तेज रोशनी आसमान को चीरती हुई नीचे आती है और रॉजवेल आर्मी एयरफील्ड के पास वाले रेगिस्तान में आकर क्रैश हो जाती है। रैंचर मैक ब्राजिल को इस टकराव की भयंकर आवाज सुनाई दी थी। अगली सुबह उठते ही उन्होंने वहां का नजारा देखा और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। ऐसा मलबे का ढेर पहले किसी ने नहीं देखा था और मिस्टर रैंचर का कहना था कि उन्होंने एक ऑयल जैसा दिखने वाला अजीब सा मटेरियल देखा था। उसमें एक चौंका देने वाली खूबी थी, उसे क्रम्पल करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता था। ऐसा लगता था उसमें मेमोरी फिट की गई थी। उस रात रॉसवेल में कुछ अजीब सी चीज आई थी। उन्हें 5 बॉडीज मिली थी, एलियंस इसीलिए क्योंकि वो इंसानों की नहीं थी। उन्हें ताबूत जैसे दिखने वाले छोटे बॉक्सेस में सील करके मेडिकल रिसर्च सेंटर भेजा गया, जहां उन्हें मेडिकली चेक करके अलग अलग रिसर्च सेंटर्स में भेजा गया। ग्रे एलियंस को हर जगह एक ही तरह डिस्क्राइब किया जाता है। 3.5-4 फीट लंबा, काली बबल जैसी आंखें, चेहरे पर चीरे के निशान, लंबे हाथ। कोई कहता है उनकी 3 उंगलियां हैं और कोई कहता है 5। पहले US मिलिट्री ऑफिसर्स ने यह घोषणा की कि उन्हें अनजान स्पेसक्राफ्ट का मलबा मिला है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। 24 घंटे के बाद मिलिट्री ने अपना स्टेटमेंट बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने कहा, सॉरी, हम गलत थे, वो सिर्फ एक वेदर बैलून था। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनकी सो कॉल्ड एक्सपर्ट ऑफिसर से एक वेदर बैलून को स्पेसक्राफ्ट समझने की बचकानी गलती कैसे हुई। मिलिट्री ने आखिर अपना स्टेटमेंट क्यों बदला? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का मानना है कि वहां वाकई एक स्पेसक्राफ्ट मिला था। क्या उनका मानना सच है? कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रॉसवेल में मिले मलबे को नजदीक से देखा है। वो कहते हैं कि वहां बहुत सारी एलियंस बॉडीज मिली थी। ये वाकई एक चौंका देने वाली बात है। हमें ये भी जानकारी मिली थी कि वहां ताबूत बनाने वालों को बुलाया गया था। उन्हें छोटे छोटे ताबूत बनाने की हिदायत दी गई थी। रॉसवेल में जरूर कुछ तो हुआ था जिसे सबसे छुपाया जा रहा था। यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है कि वो दूसरी दुनिया से रिलेटेड था। रॉजवेल में हुई इस घटना से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे अमेरिकन गवर्नमेंट, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसे हम ही ने वोट देकर चुना है, वो हमसे ही सच्चाई छुपा रही है। और रॉजवेल की इस रहस्यमय कहानी से ये बात फिर से सामने आई है कि एलियंस का पृथ्वी पर आना कोई नई बात नहीं है।
अगर वो वाकई एलियंस ही थे जो रॉजवेल में क्रैश हुए थे, तो वो कौन से ग्रह के थे और वो क्या चाहते थे? एक समाचार के मुताबिक 19 सितंबर 1961 को बेटी और बार्नी हिल देर रात को अपनी कार में सफर कर रहे थे। तब अचानक न्यू हैम्पशायर में एक बड़ी सी उड़न तश्तरी उनके पास आई और उनकी कार के ऊपर मंडराने लगी। उड़न तश्तरी से झांकते हुए बहुत सारे अजीब से जीव दिखाई दिए और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि उन्हें देखने के बाद आगे के 2 घंटों में क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं। किसी को पता नहीं कि बेटी और बार्नी हिल ने एग्जैक्टली क्या देखा था, लेकिन उन्होंने जो भी कहा वो बाकी एलियन किडनैपिंग केसेस से बहुत मिलता जुलता था। मैं एलियन किडनैपिंग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, बस इतना याद रहता है कि स्पेसक्राफ्ट से अजीब दिखने वाले जीव बाहर आकर उनसे कुछ कहते हैं, लेकिन क्या वो उन्हें याद नहीं रहता। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बेटी और बार्नी को हिप्नोटाइज किया गया। तब उन्होंने ये कहा कि उन्हें कार से स्पेसशिप ले जाया गया था, बेसिकली उन्हें किडनैप किया गया था। बेटी को एक टेबल पर लिटाया गया था और बेटी उनसे विनती कर रही थी कि उसे चोट ना पहुंचाए। उन्होंने उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके पेट में सुई घुसाई गई। बार्नी का कहना है उसकी स्किन के सैंपल्स लिए गए थे और स्पर्म लिया गया था। बेटी और बार्नी ने जो एलियंस का डिस्क्रिप्शन दिया था वो ग्रे एलियंस के डिस्क्रिप्शन से मिलता था। उनके साइज, लंबाई, चौड़ाई में फर्क होता है, लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। दुबली पतली बॉडी, बड़े अंडाकार सर और बहुत बड़ी काली आंखें। ये आधुनिक समय में एलियन द्वारा अपहरण किए जाने का पहला केस था जो सबके सामने आया था, लेकिन आखिरी नहीं था। 1960 से ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए जिनमें कमर्शियल फोटोग्राफर किम स्कालबर्ग का केस भी शामिल था। 1988 में उन्होंने कहा था कि आधी रात को ग्रे एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था। हम लोग पैसिफिक पैलेसेड्स के बीच पर रहते थे। मैं खिड़की के पास गई तो मुझे बहुत दूर तेज लाइट दिखाई दी। मैंने वैसी लाइट पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बचपन से ही बीच पर रहती थी और वो कोई बोट नहीं थी, कोई तारा नहीं था। मुझे एक स्पेसक्राफ्ट दिखाई दिया और पलक झपकते ही वो तारों में जाकर गायब हो गई। फिर मैं सोने चली गई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर नहीं हूँ। मैं पूरी नेकेड थी और चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। मैंने 3-3.5 फीट लंबे जीव देखे और वो भी नेकेड थे। वो ग्रे नहीं, ऑफ वाइट रंग के थे। उनके सर बहुत बड़े थे और आंखें काले बड़े बबल्स जैसी थी। उनका शरीर बहुत छोटा था। ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में आए हैं जहां एलियंस इंसानों को किडनैप करके उनके स्पेसशिप में ले गए थे और उनके बॉडी में एलियन रिप्रोडक्टिव मटेरियल भी डाले थे, और उन औरतों ने ह्यूमंस और एलियंस के हाइब्रिड बेबीज को भी कंसीव किया था। और जब बेबीज थोड़े बड़े होते थे तो उन्हें उनकी बॉडी से निकाल लेते थे और उन्हें एलियन स्पेसशिप में बड़ा करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें बाद में स्पेसशिप्स में ले जाकर वो हाइब्रिड बेबीज दिखाए भी गए थे। मुझे मेरे डीएनए के लिए यूज किया जा रहा था। वो मेरी एग से और किसी और के स्पर्म से हाइब्रिड बेबीज क्रिएट कर रहे थे और उसे अपने डीएनए और स्पर्म से मिला रहे थे। वो मेरी बॉडी में एक एलियन फीटस को इम्प्लांट करते थे और उसे कुछ महीनों तक मेरी बॉडी में ही छोड़ देते थे। फिर वो मुझे वापस ले जाते थे और फीटस को निकाल लेते थे। बहुत ही बुरा और भयानक एक्सपीरियंस था। इतने सारे लोगों ने कहा कि उन्हें एलियंस ने किडनैप किया था, तो वाकई इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। मैं तो इसे सच मानता हूँ। पता नहीं ये उन एलियंस की एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है या फिर बाद में जब अर्थ का एनवायरमेंट चेंज होगा और इंसानों के रहने लायक नहीं होगा तो वो उन हाइब्रिड को यहाँ लाएंगे। जो भी हो, मेरा मानना है उन एलियंस द्वारा किडनैप हुए लोगों के साथ कुछ तो जरूर हुआ था। ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि उन्हें एलियंस ने किडनैप किया है। उनके दिए गए एलियंस के डिस्क्रिप्शन ग्रे एलियंस से मैच करते हैं। ग्रे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो किस ग्रह के हैं। ऐसा क्यों है कि इन सभी केसेस में ग्रे एलियंस को ही देखा जाता है?
क्या ये हमारी कल्पना है? अगर है तो सभी कल्पना एक जैसी क्यों है? एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहता हूँ। पहली बात, अगर वो हमारी कल्पना है तो ऐसी ही क्यों है? और दूसरी बात, अगर वो वाकई एग्जिस्ट करती है तो लोगों को किडनैप करने के पीछे उनका असली मकसद क्या है? अगर अपहरण की कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है तो किडनैप हुए सभी लोगों ने ग्रे एलियंस का ही हुलिया क्यों बताया? और आधुनिक समय में दिया गया ग्रे एलियन का हुलिया प्राचीन समय के उन जीवों के हुलियों से क्यों मिलता है जिन्हें तब के लोग आकाश देव मानते थे? क्या ये ग्रे एलियंस वही है जो प्राचीन काल में जमीन पर आते थे? ऐसे कई सबूत हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि प्राचीन समय में ग्रे एलियंस धरती पर आते थे। कुछ मूर्तियां और गुफाओं में बनी कुछ ड्राइंग्स ग्रे एलियंस जैसी दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राचीन सुमेरिया में ग्रे एलियंस जैसे दिखने वाली स्टैच्यूज हैं और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की गुफाओं में जीवों की ऐसी ड्राइंग्स बनी हैं जिनके सिर ट्राइंगुलर शेप के हैं और बड़ी बड़ी बादाम जैसी आंखें हैं। ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली इलाके की गुफाओं में पाई गई 5000 साल पुरानी पेंटिंग्स सबसे पहले पाई जाने वाली पेंटिंग्स है जिनमें ग्रे एलियंस जैसे जीव बने हैं। वहां की पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये उन प्राचीन आत्माओं के चित्र हैं जिन्हें वो वॉन्जीना कहते थे, जो रात के समय आते थे और वहां के लोगों को खुशहाल जीवन प्रदान करते थे। वंजीना के चित्र को देखकर लगता है कि वो ग्रे एलियंस के ही चित्र हैं। वही बादाम जैसी आंखें, वही लंबे स्कल्स। वैसे तो पुरानी गुफाओं में बहुत अजीब अजीब चित्र बने होते हैं, लेकिन किसी जीव का चित्र हूबहू ग्रे एलियंस के हुलिये से मिलना महज इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। हमारा ये मानना है कि किम्बरले की गुफाओं में ग्रे एलियंस के ही चित्र है। वंजीना ने आसमान से उतर कर ऑस्ट्रेलिया और आसपास के इलाकों में बसी सभ्यता को प्रगति का रास्ता दिखाया। इनफैक्ट आज भी ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी वंजीना की पूजा करते हैं। ये आदिवासी इस बात के जीते जागते सबूत हैं कि ये जीव किसी पौराणिक कथा के इमेजिनरी कैरेक्टर्स नहीं थे, ये जीव वाकई में एग्जिस्ट करते थे। तभी इतने हजारों साल बाद भी इनकी पूजा की जाती है, इन्हें सम्मान दिया जाता है। इराक को पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था और वहां टाइग्रिस नदी के पूर्वी तट पर आज के शहर मोसुल के ठीक सामने प्राचीन शहर निनवे के आश्वेष पड़े हुए हैं। यहां 1849 में 6000 साल पुरानी मिट्टी से बने सुमेरियन टैबलेट्स मिले थे जिन पर एलियंस के बारे में उनकी सुमेरियन भाषा में लिखा गया था। विशेषज्ञों ने उस भाषा का अनुवाद करके ये बताया कि अनुनाकी नाम का एक एलियन वंश था। वो सुमेर में आकर बसे थे और इंसानों के साथ उनके शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। कहा जाता है कि सुमर यानी पुराने जमाने के इराक के अनुनाकी वंश ने हम इंसानों को बिल्कुल उनकी तरह बनाया था जैसे वो हमें बनाना चाहते थे। सुमेरियन एपिक और हजारों साल पुराने टैबलेट्स में मिली जानकारी के मुताबिक अनुनाकी काल्पनिक नहीं थे, वो एक्चुअली उनके साथ पृथ्वी पर रहते थे। और इन टैबलेट्स में इस बात का भी जिक्र है कि अनुनाकी का ग्रे एलियंस जैसे जीवों से कुछ संबंध था। अनुनाकी दो शब्दों को जोड़कर बना है और कहा जाता है इसमें जो अनु है उसका मतलब है जो आसमान के देवों से जुड़ा हुआ है और अनु को स्पेसिफिकली ओरियन के नक्षत्र से जोड़ा गया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये जीव ब्रह्मांड से कहीं से आए थे और यहाँ पृथ्वी पे आकर बसे थे। अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले स्कल्पचर्स और केव पेंटिंग से ये बात सामने आती है कि पृथ्वी पर अलग अलग एलियन स्पीशीज आती थी, जैसे छोटे कद वाले और बड़े सिर वाले ग्रे एलियंस और इंसानों से बहुत लंबे विशाल एलियंस जिन्हें अनुनाकी कहा जाता है। और कहा जाता था कि एक और एलियन स्पीशीज थी जो लगभग हमारे इंसानों जैसी ही दिखती थी। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में होपी इंडियंस नाम के एक कबीले के पूर्वज दूसरी दुनिया के जीवों को भगवान मानते थे और उन्होंने ही घाटी की दीवारों पर उनके कई चित्र बनाए हैं।
शोधकर्ताओं का मानना है कि उनके भगवानों के कई चित्र आज के समय में बताए गए ग्रे एलियंस के हुलिये से बहुत ज्यादा मिलते हैं। होपी कल्चर में कचीनास का जिक्र किया जाता है और उनके स्कल्पचर्स देखकर लगता है कि वो दूसरे दुनिया के जीव हैं। वो एक्चुअली आधे एलियन थे और आधे इंसान, और कहा जाता है कि उनमें कुछ ऐसे पावर्स थे जो इंसानों में नहीं थे, इसीलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। कचीना शब्द का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब है टीचर। कचीनास उनकी इमेजिनेशन से क्रिएट नहीं हुए थे बल्कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे। होपी कबीला के मुताबिक वो आग उगलते हुए कवच में आसमान से धरती पर उतरे थे और इंसानों के साथ वक्त बिताते थे, उन्हें नई नई चीजें सिखाते थे, उनकी नॉलेज बढ़ाते थे और फिर से उसी कवच में बैठकर आसमान में लौट जाते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं वो होपी लोगों के साथ ही रहते थे और जब कचीनास को लगा कि उनका काम हो गया तो वो पहाड़ों पर रहने चले गए, सैन फ्रांसिस्को के पहाड़ों पर, और बाद में वो अचानक गायब हो गए। होपी कल्चर के लोग कचीनास को भगवान मानते थे, लेकिन क्या वो वाकई में भगवान थे? क्योंकि हमें उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे तो वो एलियंस ही लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि बहुत से कल्चर्स में ये बात कही गई है कि आसमान से भगवान आते थे, उन्हें मनुष्य जाति की औरतें बहुत सुंदर लगती थी। होपी कल्चर के लोगों का भी यही कहना है। अगर ग्रे एलियंस वाकई अतीत में पृथ्वी पर आकर इंसानों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते थे तो उनके बच्चे भी होते होंगे। शोधकर्ताओं को कई जगहों पर लंबे खिंचे हुए मानव जैसे प्राणियों के स्कल्स मिले हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि ये एलियंस और इंसानों के शारीरिक संबंधों से पैदा हुई हाइब्रिड स्पीशीज है, यानी वो आधे इंसान है और आधे एलियंस। यहाँ पेरू के कोस्टल इलाके में बने पिरामिड्स में ऐसे स्कल्स पाए जाते हैं। इन लंबे और अजीब स्कल्स को देखकर लगता है कि ये उन जीवों के सिर हैं जो आधे एलियन थे और आधे इंसान। यहाँ पेरू में हुई उनकी डीएनए टेस्टिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये अजीब दिखने वाले स्कल्स उन जीवों के हैं जो आधे इंसान थे और आधे कुछ और थे। ये जो इलॉन्गेटेड यानी लंबे स्कल्स हैं, ये एक दो जगहों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हमें ये सेंट्रल अमेरिका में मिले थे, कुछ स्कल साउथ अमेरिका में भी मिले थे और कुछ इजिप्ट में भी। मेरे ख्याल से बिल्कुल शुरुआत में एलियंस के सिर बहुत लंबे होते थे और फिर धीरे धीरे उनका साइज कम होता गया। ऐसे स्कल्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये कोई खोई हुई एडवांस सभ्यता है या वाकई एलियंस धरती पर आकर दुनिया भर में बसी अलग अलग सभ्यताओं के साथ बसते थे, या फिर ये स्कल्स इस बात का सबूत है कि ये वाकई में जीते जागते जीव थे जिन्हें इंसान भगवान माना करते थे। ये जीव सभी प्राचीन सभ्यताओं का हिस्सा है। ये एंशियंट इजिप्ट में बादशाह अखनाटन के राज में पाए जाते थे और पेरू में हो रही लगातार खुदाई में ऐसे जीवों के स्कल्स बहुत सारे पाए गए हैं। अजीब अजीब तरह के स्कल्स पाए गए हैं, उनमें से कुछ स्कल्स तो बहुत ज्यादा बड़े और बहुत लंबे हैं। वो जो भी थे, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उन लंबे सिर वालों को उस वक्त भगवान माना जाता था। क्या 4000 साल पुराने माने जाने वाले ये लंबे स्कल्स वाकई इस बात का सबूत है कि अतीत में ग्रे एलियंस पृथ्वी पर आते थे? मार्स, 31 जुलाई 2008। नासा का फीनिक्स स्पेसक्राफ्ट मार्स यानी मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। जब वो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मार्स पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज कर रहा था, तब उसे मिट्टी की परत के नीचे बर्फ के रूप में पानी नजर आया। जीवन के लिए इस सबसे जरूरी तत्व को पाकर ये अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद अतीत में मार्स में जीवन का अस्तित्व था।
जब हमने सोलर सिस्टम में एलियन स्पीशीज को ढूंढना शुरू किया तो हमें ये पता चला कि दूसरे ग्रहों के मुकाबले मार्स पर जीवन होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। हम अपने लोकल सोलर सिस्टम के दो प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, एक जिस पर लाइफ है क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा मार्स जिस पर जीवन पनपना शुरू हुआ था लेकिन उसके गलत पोजीशन की वजह से वो ज्यादा देर तक फल फूल नहीं सका। इन्हें देखकर हमें ये उम्मीद जागी है कि यूनिवर्स में कहीं और जीवन जरूर होगा। मार्स का हमारी लाइफ में और किस्से कहानियों में एक स्पेशल जगह है जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा था। और अब आज के हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉमी ने इतनी तरक्की की है, टेलीस्कोप्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम मार्स पर बने कैनाल्स को भी क्लियरली देख सकते हैं। साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि मार्स पर बहुत पहले कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीजों के लिए कैनाल्स बनाए थे, पर अचानक वहां पर प्रलय आ गई और वहां रहने वालों को मार्स छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। क्या ये मुमकिन है कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह पहले जीवन पनपता था? अगर ये सच है तो क्या वो प्रजाति जिसे हम ग्रे एलियंस कहते हैं वहीं रहते थे? सारी माइथोलॉजीज में मार्स को युद्ध का ग्रह कहा गया है, तो इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि अतीत में शायद 10,000 या 1,00,000 साल पहले मार्स पर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो सिविलाइजेशन किसी कारणवश नष्ट हो गई और जो थोड़े बहुत जीव बचकर निकल सके वो भागकर पृथ्वी पर आ गए। हमारे पूर्वजों को भी इस बात पर यकीन था कि मार्स प्लैनेट पर जीवन था। मार्स को हमेशा से एस्ट्रोनॉमिस्ट का जुड़वा प्लैनेट मानते आए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे डीएनए में ही ऐसा कुछ है जो हमें मार्स प्लैनेट की ओर आकर्षित करता है, और अगर यूनिवर्स में हमारी जैसी प्रजाति एग्जिस्ट करती थी तो उसके सबूत मार्स पर पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। हमने आज तक एलियन समझे जाने वाले जितने भी जीवों के चित्र और मूर्तियां देखी हैं, वो मानव प्रजाति से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो अगर फ्यूचर में ये डिस्कवर हो कि ये प्रजाति मार्स पर एग्जिस्ट करती थी तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। आज अगर मार्स पर कोई स्पीसीज होगी तो वो अंडरग्राउंड होगी, यानी अगर ग्रे एलियंस मार्स पर एग्जिस्ट करते हैं तो वो जमीन के नीचे एग्जिस्ट करते होंगे। यहाँ पृथ्वी पर भी पास्ट में अंडरग्राउंड लाइफ एग्जिस्ट करती थी, तो हो सकता है कि ग्रे एलियंस वहां के रहने वाले हों। अगर मार्स पे पहले जीवन था और इंसानों जैसे अकलमंद जीव रहते थे तो ये भी हो सकता है पृथ्वी की तरह ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर भी जीवन था, या शायद पूरी की पूरी सभ्यता पनपती थी। 5 दिसंबर 2011 वैज्ञानिकों ने नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में दो ऐसे ग्रहों को खोजा है जो सूरज जैसे तारों के चक्कर काटते हैं। वो ग्रह उनके सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में हैबिटेबल जोन में है, यानी उस क्षेत्र में जहां पानी और हवा जैसे चीजें हो सकती है जो जीवन के पनपने के लिए जरूरी है। साइंटिस्ट ने हाल ही में केपलर बी और दूसरे नए प्लैनेट्स के बारे में अनाउंस किया है। ये एस्ट्रोनॉमी का गोल्डन पीरियड है। हमारे टेलीस्कोप्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि वे दूसरे ग्रहों के चक्कर काटने वाले प्लैनेट्स को ढूंढ सकते हैं, तो सिर्फ हमारे प्लैनेट पर ही लाइट क्यों होगी? केपलर 22b का ही एग्जांपल ले लीजिए। वो अर्थ से 2.5 गुना बड़ा है और 290 दिन सूरज के चक्कर काटता है, और उसकी प्रॉपर्टीज अर्थ से बहुत मिलती है। तो हो सकता है ग्रे और दूसरे एलियंस इस दूसरी दुनिया से आते हों जिनके बारे में हमें हाल ही में पता चला है। अब हम सच्चाई की बिल्कुल दहलीज पर हैं। साइंस, इस केस में नासा ने दूर के ग्रहों को डिस्कवर करके हमें संभावनाओं की दुनिया से निकालकर सच के बहुत करीब कर दिया है। अब एंशिएंट एलियन थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि मॉडर्न साइंस की रिसर्च की बदौलत धीरे धीरे सच्ची साबित हो रही है। I'm sure केपलर टेलीस्कोप से और भी ग्रह दिखेंगे और उनमें से कुछ पृथ्वी जैसे भी हो सकते हैं। वैसे भी नासा की थियरी के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट्स हैं। उनमें से कुछ प्लैनेट्स पर तो इंसानों जैसे अक्लमंद जीव होंगे। अगर ग्रे एलियंस केपलर 22b जैसे हाल ही में खोजे गए प्लैनेट्स में रहते हैं तो क्या अंतरिक्ष की खोज के दौरान वो पृथ्वी पर आ गए? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक इस सवाल का जवाब हमें सेंट्रल अमेरिका के प्राचीन
टियोटिवाकान शहर के पिरामिड्स और विशाल पत्थरों से बने स्मारकों से मिल सकता है। टियोटिवाकान शब्द का मतलब है वो जगह जहां इंसान भगवान से मिलता है। टियोटिवाकान शहर को वहां इसलिए बनाया गया था क्योंकि टियोटिवाकान में इतिहास में कभी न कभी दूसरे ग्रह का कोई जीव जरूर आया था। शोधकर्ताओं के मुताबिक टियोटिवाकान के तीन मुख्य पिरामिड्स को ओरायन नक्षत्र के तीन सबसे ज्यादा चमकने वाले तारों के साथ अलाइन करके बनाया गया था। चौड़े रास्ते पर छोटे स्ट्रक्चर्स को ऐसे पोजीशन किया गया था जैसे सोलर सिस्टम में ग्रहों की पोजीशन होती है। टियोटिवाकान का एक मेन रोड है और वो रोड बहुत ही बड़ा है और उस रोड पर छोटी छोटी बहुत सी इमारतें हैं जो ज्यादातर पिरामिड्स हैं। हर पिरामिड्स की पोजीशन हमारे सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट जैसा है और हर दो इमारतों के बीच उस तरह का फासला है जिस तरह सोलर सिस्टम के दो प्लैनेट्स के बीच होता है। यहाँ तक कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स को भी इसमें शामिल किया गया है। बीच में सन है, फिर मरकरी, वीनस, मार्स है और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो आते हैं। लेकिन बिना टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी के उन्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला था? और अगर हम पिरामिड्स की बात करें तो उनका भी एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप है। इनफैक्ट इन पिरामिड्स के लोकेशंस को अगर अर्थ पर मार्क किया जाए तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल ग्रीक पैटर्न बनता है और जो भी सभ्यता इस कॉम्प्लेक्स पिरामिड नेटवर्क के लिए जिम्मेदार थी वो मेरे ख्याल से बहुत ही एडवांस्ड रही होगी। हो सकता है वो एलियंस थे। इन स्ट्रक्चर्स को देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि अगर उनके पास औजार थे तो उन मामूली औजारों से उन्होंने ये कैसे बनाया। मेरे ख्याल से इन दोनों में से कोई एक बात सच है, या तो पृथ्वी बहुत ज्यादा पुरानी है और यहाँ लाइफ बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है और हमने जो अंदाजा लगाया था उससे लाखों साल पहले से यहाँ इंसान रहते हैं, या फिर एलियंस इंसानों की मदद करते थे। प्राचीन मनुष्य विशाल पत्थरों से बने मॉन्यूमेंट्स कैसे बना सकता था पूरी दुनिया में? और ऐसी कई चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आते थे। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। हमें कई जगहों पर, फॉर एग्जाम्पल आर्मेनिया में ऐसे कार्विंग्स मिले हैं जो दिखने में बिल्कुल ग्रे एलियंस जैसे हैं। सूमर यानी पुराने इराक में हमें ऐसे छोटे छोटे स्टैचूज मिले हैं जो बिल्कुल ग्रे एलियंस जैसे दिखते हैं। इन सबूतों को देखकर लगता है कि ग्रे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। मेक्सिको के चिचेन इट्ज़ा में, इंडिया के विजयनगर में और चीन के फॉरबिडन सिटी में, प्राचीन दुनिया की इन सभी जगहों पर बने पिरामिड्स और मंदिर उन प्राचीन जीवों को समर्पित किए गए हैं जिन्हें प्राचीन मनुष्य आकाश देव कहते थे। लेकिन क्या कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का ये कहना सही है कि ये जो आकाश देव हैं वो ग्रे एलियंस का ही दूसरा रूप है? क्या उनका रूप सब सांप से मिलता जुलता है? सेंट्रल और साउथ अमेरिका के प्राचीन लोग इस परो वाले सांप की पूजा करते थे और चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका से बहुत दूर एंशिएंट इंडिया में भी उड़ने वाले सांपों की कई कहानियां एग्जिस्ट करती हैं। वो सब बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि सांप उड़ नहीं सकते, लेकिन शायद जो उन्हें आसमान से नीचे आते हुए दिखता था उसका शेप बिल्कुल उड़ने वाले सांप जैसा था। अगर उन स्काई गॉड्स के फीचर सांप जैसे थे तो जरूर उन स्काई गॉड्स और सांपों में कुछ कनेक्शन तो होगा, इसलिए हमने उन्हें सांपों के साथ कंपेयर करके देखा और हम उस नतीजे पर पहुंचे कि वो जीव हमारी तरह दिखते थे लेकिन उनमें कुछ रेप्टिलियंस फीचर्स भी थे। और मॉडर्न डेज में अगवा किए गए लोगों ने जो ग्रे एलियंस का डिस्क्रिप्शन दिया था वो काफी हद तक एलियंस और रेप्टाइल के मिक्स ब्रीड जैसा दिखता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है
कि इंसानों को देखने से पहले ग्रे एलियंस ने रेप्टाइल्स को ही पृथ्वी की सबसे प्रमुख प्रजाति समझा था और उन्हें प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया था। अगर ये सच है तो क्या ग्रे एलियंस ने अपने जीन्स और रेप्टाइल्स के डीएनए को मिलाकर हाइब्रिड जीवों का निर्माण किया था? और क्या वो जीव कुछ समय के लिए इंसानों की पृथ्वी पर बसे थे और शायद गुफाओं और घाटियों में इन्हीं जीवों के चित्र बने हैं? एंशियंट इंडिया में नागा का जिक्र किया गया है, जो आधा मनुष्य था और आधा सांप। ऐसा कहा जाता है कि उसे भगवान विष्णु या कृष्ण ने क्रिएट किया था। तो ये नागा यानी नाग देवता कौन थे? एंशियंट एलियन थियरी के मुताबिक वो और कुछ नहीं था बल्कि एलियंस और सांपों का मिक्स्ड ब्रीड जीव था। होपी कल्चर में शेटी प्रजाति के बारे में भी जिक्र किया गया है। उनका स्वभाव सांपों से बहुत मिलता था और वो सांपों की तरह ही अंडरग्राउंड रहते थे। अगर हम मॉडर्न एलियन किडनैपिंग या यूएफओ के किस्सों पर गौर करें तो उनमें भी कई बार ये सामने आया है कि वो एलियंस अंडरग्राउंड जाना या अंडरग्राउंड बेसिस में रहना पसंद करते हैं। अगर हम बाइबल के दिनों में जाएं, अगर हम बाइबल की बात करें तो उसमें सैटर्न का डिस्क्रिप्शन रेप्टाइल से मिलता है। ऐसा हो सकता है कि सैटर्न रेप्टाइल्स और एलियंस का मिक्स ब्रीड हो और इंसानों को तब ऐसा लगता था कि ऐसे जीव स्वर्ग से धरती पर आते हैं। जगह जगह पर बने स्कल्पचर्स जैसे साउथ अमेरिका में, एशिया में, चीन में देखने में बिल्कुल सांप से रिलेटेड किसी जीव के लगते हैं, जिन्हें ड्रैगन कहा जाता है। तो ये रेप्टाइल जैसे ड्रैगन प्राचीन काल में दुनिया के अलग अलग कल्चर्स का हिस्सा थे। प्राचीन चाइनीज कल्चर में चार ड्रैगन किंग्स हैं और उन्हें समंदर का भगवान माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि समंदर के नीचे इनका क्रिस्टल से बना एक महल था, लेकिन ये उन प्राचीन चीनियों की कल्पना नहीं थी, ये उन्हें बताया गया था। इन अजीब जीवों ने किसी तरह उन प्राचीन चीनियों से संपर्क किया था और उन्हें ये बात बताई थी, इसलिए ये उनकी माइथोलॉजी का हिस्सा है। और उनमें सिर्फ रेप्टिलियन फीचर्स ही नहीं थे बल्कि माना जाता है कि वो रूप भी बदल सकते थे। वो किसी भी दूसरे जीव का रूप ले सकते थे, इंसान का भी, कभी एलियन कभी इंसान। अब इन सब चीजों पर विश्वास कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं में ये कहा गया है कि इन जीवों में बहुत सी खूबियां थी, जिनमें रूप बदलने की भी खूबी शामिल थी, जो बहुत ही अनोखी थी। कुछ शोधकर्ताओं ने ये भी कहा है कि इन रेप्टिलियन जीवों ने पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए प्राचीन मनुष्यों के साथ लड़ाई की थी, जिसकी वजह से उन रेप्टिलियन जीवों की प्रजाति लगभग खत्म हो गई और बचे कुचे जीव जमीन के नीचे जाकर छुप गए थे। प्राचीन मनुष्यों ने गुफाओं में वही बनाया जो उसने देखा था, चाहे वो पृथ्वी पर आने वाले दूसरे ग्रह के लोग हों या फिर रेप्टिलियन जीव जो अंडरग्राउंड रहते थे। उन्होंने क्या देखा हम ये प्राचीन समय में जाकर पता नहीं लगा सकते, लेकिन जब लगभग सारी प्राचीन सभ्यताओं में आधे एलियन आधे रेप्टाइल का जिक्र किया गया है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। वॉशिंगटन डीसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। वैज्ञानिकों ने यहां 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया था। वो हमारे शरीर के हर एक जीनोम को पहचानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा डीएनए कैसा बना है। जब वो इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाएंगे तो हम इंसान अपने एवोल्यूशन यानी अपने विकास क्रम को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि ग्रे एलियंस कौन है? अगर हम ग्रे एलियंस के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो सिर बड़ा है, आंखें काली और बबल जैसी है, दुबला पतला शरीर। आप खुद ही सोचिए क्या ऐसे फीचर्स एवोल्यूशन की वजह से है? ऑब्वियसली इसका जवाब है नहीं। क्या उनके ऐसे फीचर्स बायो इंजीनियरिंग से क्रिएट किए गए हैं? इसका जवाब है हाँ। मेरे ख्याल से ग्रे एलियंस को इसी तरह से क्रिएट किया गया है। मेरे ख्याल से पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे ग्रह के जीवों ने
ऐसी प्रजाति को चुना जिसका वो जेनेटिक कोड बदल सकती थी, और पृथ्वी पर जीने के लिए और अपनी स्पीसीज की आयु बढ़ाने के लिए उन्होंने उस प्रजाति के साथ संभोग किया। हम उन्हीं से जन्मे हैं, हम में उन ग्रे एलियंस के जीन्स हैं, शायद इसीलिए वो इंसानों को अगवा करके ले जाते हैं। वो अभी भी जेनेटिक्स कोड को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ग्रे एलियंस हमारे स्पेस ब्रदर्स हैं, मुझे नहीं लगता वो बुरे हैं, पर वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या एलियंस और इंसानों के बीच संभोग हो सकता है? इसके पॉसिबल होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहली, उनकी लाइफ फॉर्म भी हमारी तरह कार्बन बेस्ड होनी चाहिए, यानी सेम केमिकल्स होने चाहिए, और दूसरी चीज है उनका बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए। तो इमेजिन कीजिए अगर कोई ऐसा प्लेनेट था जो अर्थ जैसा था और जहाँ कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स जन्म लेते थे, तो इसके चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि वहाँ हमसे मेल खाती हुई प्रजाति इवॉल्व हुई होगी, और अगर उनमें और हम में सिमिलैरिटी थी तो उन एलियंस और हमारे बीच संभोग हो सकता है। वो हाइब्रिड जीव क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्या फ्यूचर में अर्थ पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है? क्या हमारी प्रेजेंट जेनेटिक कोड किसी तरह की सोलर एक्टिविटी या प्रलय को झेलने लायक नहीं है, और वो हाइब्रिड इंसान बनकर हम इंसानों को उसे झेलने का लायक बना रहे हैं? क्या वो ये इंसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं या अपनी, यानी एलियंस की भलाई के लिए कर रहे हैं? भले ही ग्रे एलियंस हमें बहुत अलग दिखते हों, आप जानते हैं कि बड़े सिर और छोटे शरीर वाले होते हैं, बड़ी काली आंखें। इवोल्यूशन के दौरान आपके हाथ और उंगलियों की भी जरूरत पड़ी, आपको आंखों की जरूरत पड़ी, आपको कानों की जरूरत पड़ी, आपको बातचीत करने के लिए मुंह की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको उस प्रकार की आवश्यकता थी जो वास्तव में एक सिविलाइजेशन के रूप में खुद को आगे बढ़ा सके। जब आप एक सुपर टेक्नोलॉजिकल रूप से उन्नत दौड़ में होते हैं तो आपको वास्तव में बड़ी मसल्स की आवश्यकता नहीं होती है, आपको वास्तव में सेक्स ऑर्गन्स की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप जेनेटिकली रूप से इंजीनियर किए गए हैं और साइबरनेटिकली रूप से उस क्षमता के कार्यों को करने की सबसे अधिक संभावना है, एक सुपर लार्ज है, उदाहरण के लिए एक विशाल मस्तिष्क का घर है जो कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बड़ा मस्तिष्क ही है जो उन्हें अनुमति देता है टेलीपैथिकली वो सब करने की जो वो कर सकते हैं, जो क्षमताएं परे हैं मनुष्यों की क्षमताओं से। मैं उस थियरी को मानता हूँ जो कहती है कि हम सब उनकी छवि में हैं। ये सब उस किताब जेनेसिस की तरह लगता है ना? लेकिन ये संभव है ईटी जो हम जैसे दिखते हैं, या मुझे कहना चाहिए हम उनके जैसे दिखते हैं, वो यहाँ आए और उन्होंने हमारे ग्रह पर जेनेटिकली मैनिपुलेशन करके एडम और ईव को बनाया, जो आज मॉडर्न ह्यूमन बन गया, और फिर छोड़ दिया किसी भी कारण से। इसी बीच जो मिसिंग लिंक है वो है ईटी। सालों पहले उन्होंने हमारा जेनेटिक कोड बदल दिया और एवोल्यूशन के जरिए हम वो इंसान बन पाए जो आज स्पेस में जा सकता है। हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस जेनेटिक मैनिपुलेशन का रिजल्ट है जो कि ईटी द्वारा लिया गया था। लेकिन क्या वास्तव में ग्रे एलियंस जैसी प्रजाति हो सकती है जो कि पृथ्वी पर आए थे उन तारों से जो कि सैकड़ों नहीं बल्कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्रे एलियंस टाइम ट्रैवलर थे जो हमारे भविष्य से आए थे। हमारे पास 20वीं और 21वीं सदी की कल्पना में पूरी तरह से बदलाव है। ग्रेस एलियन वास्तव में भविष्य के लोग हैं जो वर्तमान समय में यात्रा कर रहे हैं, जो कि उनका पास्ट है, और वो इस अजीब बालों वाले भूरे रंग की बग आंखों वाले रूप में विकसित हुए हैं। मैं आश्चर्यचकित होऊंगा अगर वो वास्तव में इंटरडायमेंशनल जीव हुए तो। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबूत बताते हैं कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्पेस टाइम को मोड़ने की क्षमता रखती है। जब हम इंटरडायमेंशनल बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या पाते हैं? यही कि आज जो प्राचीन इतिहास और भविष्य में जो होगा सब एक ही है। इससे ये भी पता चलता है कि इन घटनाओं के साथ इतने बार विसंगतियाँ क्यों हो रही हैं। इसलिए बहुत हद तक संभव है कि वे वास्तव में हमारे भविष्य के किसी दूर के हिस्से से आए हों। क्या हम कभी ग्रे एलियंस के बारे में सच्चाई जान पाएंगे?
उनकी रहस्यमय उत्पत्ति का रहस्य क्या है और क्यों? यदि वे मौजूद हैं, वो हमारी दुनिया में इतनी रुचि क्यों रखते हैं? विदेशी के बारे में हमें चेतावनी देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। क्या वे यहाँ हमारे अध्ययन करने आए हैं या हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या वे वास्तव में हमारे भविष्य के बारे में चेतावनी देने के लिए आ रहे हैं?